Hello to all, please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 19 June of 2020 and it's a Friday. So let's start the analysis of the newspaper. Our first news is, आज की जो हम पहली न्यूज़ देखेंगे ये है, डेज आफ्टर क्लैश चाइना फ्रीज 10 सोल्जर्स, कि जो क्लैश हुआ है 3 दिन पहले उसके बाद क्या कहते अभी जाके उन्होंने हमारे 10 इंडियन सोल्जर्स को वापस छोड़ दिया है, कोई हार्म नहीं पहुँचा उनको, उनको वापस छोड़ दिया गया है, मीटिंग हुई है क्या कहते हैं उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया वापस। इसमें वही लिखा है, 3 days आफ्टर क्लैशेज इन द गलवन वैली ऑफ लद्दाख लेफ्ट 20 इंडियन सोल्जर्स डेड, द चाइनीज ऑन थर्सडे इवनिंग रिलीज 10 इंडियन आर्मी पर्सनल इंक्लूडिंग अ लेफ्टिनेंट कर्नल एंड 3 मेजर्स फ्रॉम देयर कस्टडी। क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं 3 दिन पहले जो अटैक हुआ था, जो एक्सीडेंट हुआ था जिसमें चाइनीज ट्रूप्स में 20 इंडियन सोल्जर्स को मारा था और क्या कहते कुछ सोल्जर्स को अपने अंडर अपनी कस्टडी में रख लिया था, तो उसी के बारे में इसमें बताया गया है कि उन्होंने उन 10 इंडियन सोल्जर्स को जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल और 3 मेजर थे तो उनको छोड़ दिया है, थर्सडे को कल छोड़ दिया है उन लोग को, इसमें वही बताया गया। क्या कहते हैं इंडिया और चाइना के बीच में ट्रीटी भी है, एक एग्रीमेंट भी पास है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, जिसका आर्टिकल 6 बताता है, ये 1996 में एग्रीमेंट पास हुआ था कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, इसका आर्टिकल 6 बताता है कि जो इंडिया और चाइना के बीच में इन द मिलिट्री फील्ड अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन द इंडिया चाइना बॉर्डर सीज सेज नाइदर साइड शैल ओपन फायर कॉज बायोडिग्रेडेशन यूज हैजार्डस केमिकल्स कंडक्ट ब्लास्ट ऑपरेशंस और हंट विद गन्स और एक्सप्लोसिव विद इन 2 किलोमीटर फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दिस प्रोहिबिशन shall not apply to routine firing activities in small arms firing ranges। इसमें वह बताया गया है कि क्या कहते हैं जो आर्टिकल 6 है ये एग्रीमेंट का, उसमें बताया गया है कि कोई वहाँ पे 2 किलोमीटर के रेंज में कोई क्या कहते हैं हजार्डस कोई केमिकल यूज़ नहीं कर सकता या कोई बायोडिग्रेडेशन यूज़ नहीं कर सकता या फायर नहीं कर सकता एक दूसरे के ऊपर, हमें वहाँ पे बातचीत करके ही उसे ख़त्म करना है, जो इशू आए भी वहाँ पे 2 किलोमीटर के रेंज में LAC के हमें वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है, ना हो ओपन फायर करना है, कुछ नहीं करना है वहाँ पे, इसमें वही बताया गया है। इंडिया कोर्स टू विन इन सिक्योरिटी काउंसिल पोल्स, क्या कहते हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल पोल हुई है इंटरनेशनल वाली उसमें इंडिया ने 184 of 192 वोट जीतकर अपनी पोजीशन ले ली है UN सिक्योरिटी काउंसिल में, ये काफ़ी अच्छा है, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी मिलेगी, ये 2 साल का हमें टेन्योर मिला है इसका। टर्मिंग इंडियाज विनिंग ऑफ अ नॉन परमानेंट सीट ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल वन ऑफ इट्स बेस्ट परफॉर्मेंस एवर, क्या कहते हैं UN सिक्योरिटी काउंसिल में क्या कहते हैं नॉन परमानेंट सीट मिली हम लोगों को, 2 साल का टेन्योर मिलता है उसमें, सिक्योरिटी मिलेगी, तो ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इंडिया की बाहर ऐसा पहली बार। द यूनियन गवर्नमेंट सेड द मेजोरिटी ऑफ वोट रिसीव्ड इन द जनरल असेंबली डेमोंस्ट्रेटेड द गुड विल द कंट्री एंजॉयड, इंडिया विल प्रमोट मल्टीलेटरल सॉल्यूशन फॉर द COVID-19 क्राइसिस एंड इनहेंस ग्लोबल एक्शन अगेंस्ट टेररिज्म। इसमें कहा गया है कि कहते अब इंडिया को उसमें दिखाने के लिए उसमें अब सिक्योरिटी भी मिल गई, तो अब हम लोग इस क्राइसिस को COVID-19 क्राइसिस को भी अच्छे से हैंडल कर पाएंगे और क्या कहते हैं कोई टेररिज्म जैसी चीज़ों को भी हम लोग मुँह तो जवाब दे पाएंगे, ऐसा इसमें कहा गया है। और जो मेंबर हैं वहाँ के परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के UN सिक्योरिटी काउंसिल के, वो हैं US, UK, फ्रांस, रशिया और चाइना, इन्होंने भी इंडिया को बधाई दी उसका नॉन परमानेंट मेंबर बनने पर, उन इंडिया को बधाई दी गई है। चलिए देख लेते हैं UN सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन आर टाइप करिए Q247 तो आपको ये कहते हैं लोगो मिल जाएगा, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, या तो आप लिंक पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस पर जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इस्टेब्लिश बाय द UN यूनाइटेड नेशन चार्टर इन 1945, ये इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में, क्या कहते हैं इसका मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इस चीज़ के लिए बनाया गया है कि पूरी दुनिया में पीस रहे शांति रहे, इसलिए बनाया गया है, ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाया गया था। द सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ 15 मेंबर, इसके 15 मेंबर हैं, इसके 5 परमानेंट मेंबर हैं USA, रशिया फेडरेशन, फ्रांस, चाइना एंड UK, इसके ये 5 परमानेंट मेंबर हैं।
और जो क्या कहते हैं नॉन परमानेंट मेंबर है वो क्या कहते हैं हर 2 साल में इलेक्ट किए जाते हैं। ईच मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ 1 वोट, और उसके क्या कहते हैं हर मेंबर के पास 1 वोट होता है। द डिसीजंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑन मैटर्स आर मेड बाय एन एफर्मेटिव वोट ऑफ 9 मेंबर्स इंक्लूडिंग द कंकरिंग वोट्स ऑफ द परमानेंट मेंबर्स। कि कहते हैं वो नाइन अगर कोई डिसीजन लेना होता है तो फिर 9 मेंबर्स का वोट लिया जाता है और जो परमानेंट मेंबर है उनका वोट लिया जाता है। अ नो वोट फ्रॉम वन ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर्स ब्लॉक्स द पैसेज ऑफ द रिजोल्यूशन। एक भी वोट अगर परमानेंट मेंबर से नो कहा गया तो क्या कहते हैं वो डिसीजन नहीं लिया जाता है और उसे ब्लॉक कर दिया जाता है, उसे हटा दिया जाता है। एनी मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन विच इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल में पार्टिसिपेट विदाउट वोट इन द डिस्कशन ऑफ एनी क्वेश्चन ब्रॉट बिफोर द सिक्योरिटी काउंसिल वेर वेन एवर द लेटर कंसिडर्स दैट द इंटरेस्ट ऑफ दैट मेंबर आर स्पेशली इफेक्टेड। क्या कहते हैं कोई भी क्या कहते हैं यूनाइटेड नेशन का जो मेंबर है वो क्या कहते हैं इस सिक्योरिटी काउंसिल में भाग ले सकता है, जरूरी नहीं कि वो उसका मेंबर ही हो सिक्योरिटी काउंसिल का, उसमें भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता, ऐसा इसमें बात की गई है। उसी चलिए अब देख लेते हैं अगली न्यूज़। सरदार सरोवर डैम 11 मीटर शॉर्ट ऑफ फुल कैपेसिटी। कि आप जो मानसून है वो अराइव कर चुका है गुजरात में, और ऐसा कहा जा रहा है कि क्या कहते हैं जो नर्मदा सरदार सरोवर डैम है वो पूरा भरने वाला है, जो नर्मदा रिवर पे सरदार सरोवर डैम है वो पूरी तरह से भरने वाला है, सिर्फ 11 मीटर की सिर्फ बचा है उसमें कैपेसिटी, अब क्या कहते हैं वो भर जाएगा उसके बाद, ऐसा इसमें कहा गया है। चलिए देख लेते हैं सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट ये कहते हैं नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के कारण बनाया गया है। गिव इट्स फाइनल रिवॉर्ड वाइस वर्सा गुजरात मध्य प्रदेश इन 1979। ये 1979 में बनाया गया था, गुजरात और मध्य प्रदेश के मिल के दोनों ने मिला मिल के बनाया था इसे। सेकेंड बिगेस्ट डैम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट यूज इन इट। कि सब सेकेंड लार्जेस्ट डैम है जिसमें क्या कहते हैं इस उस हिसाब से जितनी कॉन्क्रीट उसमें यूज़ हुई है। थर्ड हाइस्ट कॉन्क्रीट डैम इन इंडिया, थर्ड हाइस्ट कॉन्क्रीट डैम इन इंडिया है। पावर जनरेटेड फ्रॉम द डैम कुड बी शेयर्ड अमंग 3 स्टेट्स। इससे जो पावर जनरेट होती है इस डैम से वो 3 स्टेट्स में जाती है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और गुजरात, इन स्टेट्स में ये इसकी पावर जाती है। वॉट इज द कंसर्न विद द प्रोजेक्ट। वाटर लेवल इज इन द सबमर्ज एरिया ऑफ द डैम इन बरवानी एंड धर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश राइजिंग स्टेडली। जो भरवानी और धर डिस्ट्रिक्ट में जो मध्य प्रदेश के डैम हैं उसमें पानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। एज पर नर्मदा बचाओ आंदोलन ग्रुप 40,000 फैमिलीज इन 192 विलेजेस इन मध्य प्रदेश वुड बी डिस्प्लेड व्हेन द रिजर्वायर फिल टू इट्स ऑप्टिमम कैपेसिटी। नर्मदा बचाओ आंदोलन ग्रुप ने जो था उसमें बताया था कि 40,000 फैमिलियों को जो 192 विलेज गाँव में थे मध्य प्रदेश के उनको हटाया गया क्योंकि रिजर्वायर फिल होने वाला था। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक द प्रोजेक्ट स्टार्टेड विद वेरी लिटिल असेसमेंट ऑफ रिसेटलमेंट एंड रिहेबिलेशन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। कि वर्ल्ड बैंक का ऐसा मानना था कि बहुत ही छोटी रिसेटलमेंट के उससे बनाता है या तो और बहुत ही कम इन्वायरमेंटल इफेक्ट इम्पैक्ट है इसके ऊपर, ऐसा वर्ल्ड बैंक का कहना था। वाई इज़ दिस प्रोजेक्ट सिग्निफिकेंट एंड व्हाट बेनिफिट हैज़ इट गॉट। अनयूज वाटर फ्रॉम नर्मदा विच कुड अदरवाइज फ्लो इन टू द सी कुड बी यूज फॉर सर्विंग मैनी ड्राई टाउन्स विलेजेस एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। जो अनयूज वाटर होता था गुजरात का वो नर्मदा रिवर का वो जो सी में फ्लो कर जाता तो उससे ही हम लोग उसको ही कहते हैं ये टाउन विलेज और डिस्ट्रिक्ट गुजरात को हेल्प कर रहा है पानी के लिए इस वक्त। द प्रोजेक्ट कुड एम्प्लॉय अबाउट 1 मिलियन पीपल स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। कि जो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था इससे लगभग 1 मिलियन लोगों को रोज़गार मिला था बिल्कुल शुरुआत से अभी तक एंड ऑफ द प्रोजेक्ट तक। प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू द अनसर्व रीजन्स एंड ऑल्सो टू द फार्मर्स। ये इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करता है कई रीजन्स में, आपने देखा ही जैसे 3 स्टेट अभी मैंने बताए महाराष्ट्र गुजरात और मध्य प्रदेश को ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है और फार्मर्स के भी वहाँ के। प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़। ये खेती सिंचाई के लिए भी काम आता है और क्या कहते हैं ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है। प्रोवाइड फूड फ्लड प्रोटेक्शन टू एन एरिया ऑफ अबाउट 30,000 हेक्टेयर्स विच इज़ प्रोन टू द फ्यूरी ऑफ फ्लड्स। ये फ्लड प्रोटेक्शन से भी बताता है, बाढ़ वाड़ से भी बचाता है ये डैम सरदार सरोवर डैम। यही सब इसके बारे में होगा, देखते हैं आज अगली न्यूज़ आज की।
at the high table. India must adopt value-based positions at the UNSC and be the voice of the weaker nations. ऐसा पहले एडिटोरियल बताया गया है कि इंडिया को अब यूएनएससी में पोजीशन मिल गई, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अब जगह, उसे नॉन परमानेंट मेंबर है वो 2 साल का, तो अब उसे जगह वहाँ पे मिल चुकी है, उसे एक पोजीशन मिल चुकी है, तो अब वो जो वीकर नेशन है उसके लिए वो आवाज़ बन सकता है और कुछ ऐसा काम कर सकता है जिससे हर देश को फ़ायदा हो। इंडिया सेलेक्शन टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज़ अ नॉन परमानेंट मेंबर टू इज़ अ सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक विक्ट्री फॉर द कंट्री। ये मेंबर जैसे ही बनाया है, ये एक तरह से जीत है इंडिया की बाहर के देशों के साथ कहते काम करने के लिए। विच हैज़ बी लॉन्ग बीन पुशिंग फॉर रिफॉर्म्स एट ग्लोबल द विक्ट्री वॉजेंट एनेक्स एज इंडिया वॉज द ओनली कंटेस्टेंट फॉर द एशिया पैसिफिक सीट। कि विक्ट्री तो क्या कहते हैं कोई रोक ही नहीं सकता था, क्योंकि सिर्फ एशिया पैसिफिक रीजन में सिर्फ इंडिया ही भर था जो इस सीट के लिए खड़ा था। इंडिया से इंडिया ने 184 वोट जीते 193 स्ट्रॉन्ग वोट्स में। क्या कहते हैं मैक्सिको, नॉर्वे और आयरलैंड वर ऑल्सो इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर। इन तीन कंट्रियों को भी नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट किया गया है, मैक्सिको, नॉर्वे और आयरलैंड को। इंडिया सॉट द सपोर्ट ऑफ मेंबर कंट्रीज बाय हाई लाइटिंग इट्स कमिटमेंट टू मल्टीलेटरिज्म एंड रिफॉर्म्स। कि इंडिया को क्या कहते हैं जो परमानेंट मेंबर्स थे उनसे भी सपोर्ट मिला है, क्योंकि ये मल्टीलेटरिज्म और क्या कहते हैं रिफॉर्म्स के लिए काम करेगा, ऐसा इंडिया ने कहा है। अ न्यू ओरिएंटेशन फॉर अ रिफॉर्म मल्टीलेटरल सिस्टम नॉर्म्स एज लेड आउट बाय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कुड बी इंडियाज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ड्यूरिंग द 2 ईयर टेन्योर दैट विल बिगिन नेक्स्ट ईयर। जो अगले साल से चालू होगा इनका 2 साल का टेन्योर, उसमें ये नॉर्म से वर्क करेंगे। न्यू ओरिएंटेशन फॉर अ रिफॉर्म मल्टीलेटरल सिस्टम, ऐसा इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर का कहना है। इंडिया शुड अवॉइड द टेम्पटेशन ऑफ टेकिंग साइड्स एट अ टाइम व्हेन द सिक्योरिटी काउंसिल इज़ गेटिंग मोर एंड मोर पोलराइज्ड। ऐसा इसमें कहा गया है कि कहते हैं इस वक्त इंडिया को कम रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में अब उसे जगह मिल गई और उसे सिक्योरिटी भी प्रोवाइड होगी। टू सर्व इट्स इंटरेस्ट एंड पुश फॉर इट्स एजेंडा ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड रिफॉर्म्स इंडिया शुड अडॉप्ट वैल्यू बेस्ड पोजीशंस दैट आर नॉट ट्रांजेक्शनल एस्पायर फॉर द लीडरशिप ऑफ द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द काउंसिल एंड बी द वॉइस ऑफ द वीकर नेशन। कि अब उसे क्या कहते हैं अपने इंटरेस्ट पे वर्क करना चाहिए और मल्टीलेटरलिज्म और रिफॉर्म्स के ऊपर वर्क करना चाहिए जो इंडिया ने कहा है, जिससे वो क्या कहते हैं उसे अच्छा उसका टेन्योर हो और क्या कहते हैं कई देशों के लिए आवाज़ बन सके एक तरह से इंडिया, ऐसा इसमें एडिटोरियल में कहा गया है। अब देखते हैं आज का अगला एडिटोरियल, फ्लीसिंग फ्यूल यूजर्स। इसमें बताया गया है कि जो रेवेन्यू फ्रॉम फ्यूल्स कम एट द एक्सपेंस ऑफ पीपल रिलाइंग इंटायरली ऑन प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। इसमें बताया गया है कि जो रेवेन्यू बनता है फ्यूल से वो पूरा ही पूरा प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के ऊपर निर्भर होता है, इसमें ऐसा बताया गया है। आपने देखा होगा कि इस वक्त पेट्रोल का प्राइस 6.5 रेज हुआ है दिल्ली में, क्या कहते हैं और क्या कहते हैं डीजल का 7 रुपये पर लीटर इंक्रीज़ हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ है। 9% का इंक्रीज़ पेट्रोल में आया है और क्या कहते हैं डीजल में 10% से भी ज़्यादा का इंक्रीज़ आया है। और जो ब्रेंट क्रूड ऑयल होता है जो क्या कहते हैं उसका, उसमें 3% का डिक्लाइन आया है, ऐसे इसमें बताया गया है। द बिल्डअप डाटा शोज दैट एक्साइज ड्यूटी लिविड बाय द सेंटर एंड वैट कलेक्टेड बाय द डेलीगेट गवर्नमेंट टुगेदर कंस्टिट्यूटेड 2/3 ऑफ द 76.73 पंप प्राइस ऑफ पेट्रोल एज जून 16। कि वही से बताया गया है कि कितनी तेज़ी से फ्यूल प्राइसेस या डीजल प्राइसेस बढ़े हैं। द एम ऑफ मैक्सिमाइजिंग टेकिंग्स फ्रॉम फ्यूल प्रोडक्ट्स टू ऑफसेट शॉर्टफॉल्स इन अदर रेवेन्यू स्ट्रीम्स कैन ओनली बियर फ्रूट इफ पेट्रोल एंड डीजल ऑफटेक रिमेन्स अनअफेक्टेड एंड द राइजिंग फ्यूल बिल डजंट डिप्लीटिंग हाउस होल्ड कंजम्पशन बजट्स। कहते हैं ये जैसे ही इंक्रीज होता जाता हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेगा लोगों के ऊपर, हाउस होल्ड जिनकी सैलरी कम है उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट आएगा, क्योंकि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट तो सब लगभग मैक्सिमम लोगों के पास रहता है। और कहते हैं पेट्रोल और डीजल का प्राइस इंक्रीज होने से हर किसी को दिक्कतें होंगी। डीजल इज़ द प्राइमरी फ्यूल वॉज फॉर द वास्ट एंड एसेंशियल रोड फ्रीट सेक्टर। ये प्राइमरी फ्यूल है क्या कहते हैं हर वास्ट एंड एसेंशियल रोड फ्रीट सेक्टर के लिए, और कहते हैं ये इंडस्ट्री में भी, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इन सब में भी ये यूज़ भी होते हैं पेट्रोल डीजल, तो इसमें यही बताया गया है इस एडिटोरियल में। तो आज का हम यही 2 एडिटोरियल देखेंगे, अगली न्यूज़ देखते हैं। नेपाल न्यूज़ मैप ऑन पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
जो नेपाल का मैप है, जो नया उन लोगों ने मैप लाया है, जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में, उत्तराखंड में, उसको उन्होंने अपने मैप में जोड़ लिया और कहा है कि वो उन्हीं के अंदर है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इस न्यूज़ में ये भी दिया है कि द अमेंडमेंट अमाउंट्स टू आर्टिफिशियल इनलार्जमेंट ऑफ क्लेम्स दैट आर नॉट बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल फैक्ट और एविडेंस एंड इज़ नॉट टेनेबल। इस न्यूज़ में बताया गया है कि क्या कहते हैं, जो उन्होंने अमेंडमेंट किया है, ऐसा उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि उन्हीं का वो डिस्ट्रिक्ट है, या उन ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कोई एग्रीमेंट पास नहीं हुआ था कहते हैं नेपाल किंग के साथ, इंडिया के साथ, कि वो उनका है, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो ऐसा उन लोगों का मानना है, इसीलिए उन्होंने पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के 3 एरिया को अपने अंडर कर लिया है और अपने न्यू मैप में जोड़ लिया है और उसका अमेंडमेंट भी पास कर चुके हैं। अब देखते हैं अगली न्यूज़। पोल फॉर 19 राज्यसभा सीट्स टुडे। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या कहते हैं राज्यसभा में कौन लोग क्या कहते हैं वोट करते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और प्लीज़ क्या कहते हैं बी इंटरेक्टिव कि क्या कहते हैं कमेंट ज़रूर किया करें, जिससे हमें भी पता चलेगा कि लोग देख रहे हैं भी नहीं, और हमें मोटिवेशन भी मिलती है और अच्छा उसे बनाने के लिए। इंडिया टू टेक पार्ट इन मीटिंग ऑफ RIC ग्रुपिंग रशिया फॉर कंस्ट्रक्टिव डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड चाइना ओवर LAC टेंशन। कि क्या कहते हैं जो RIC मीटिंग होने वाली है, रशिया इंडिया चाइना जो मीटिंग होने वाली है, उसमें क्या कहते हैं इन रशिया एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग बनेगा इंडिया और चाइना के बीच में, जो क्या कहते हैं कंडीशन चल रही है सर उसी में। ये मीटिंग 23 जून को होने वाली है और इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करेगा। चलिए देख लेते हैं RIC के बारे में। RIC रशिया इंडिया चाइना ट्राइलेटरल कॉन्फ्रेंस, ये कहते हैं एक्सटर्नल अफेयर जयशंकर, वो एस जयशंकर ने कहा है कि ये जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होने वाली है जो रशियन और चाइनीज़ काउंटर पार्ट के साथ जून 23 को, उसमें हम क्या कहते हैं बात करेंगे और कई पॉइंट्स उठाएंगे जिसको रिजॉल्व करना है। द मिनिस्टर इज एक्सपेक्टेड टू डिस्कस द रिसेंट स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज़ मिलिट्रीज। कि उन्होंने कहा कि कहते हैं वो भी इशू उठाएंगे, जो स्टैंड ऑफ हुआ है इंडिया और चाइना का इस वक्त, इंडिया और चाइना मिलिट्री का, उसके बारे में भी बात करेंगे। द मीटिंग इज़ बीन कन्वीन विद द इनिशिएटिव ऑफ रशिया। ये मीटिंग रशिया के द्वारा इनिशिएट की गई है और क्या कहते हैं कन्वीन की गई है। बैकग्राउंड इसका देख लेते हैं। इंडिया एंड चाइना हैव बीन एंगेज इन अ बिटर स्टैंड ऑफ अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एट द ईस्टर्न लगवा फॉर मोर देन 5 वीक्स। इस वक्त 5 वीक से ज़्यादा हो गया है जो LAC पे स्टैंड ऑफ चल रहा है उसका, क्या कहते हैं वहाँ बहुत दिक्कतें भी हो रही लोगों को। रशिया इस पे इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपेंड द डिस्कशन ऑन SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। रशिया इंडिया चाइना ट्राइलेटरल फोरम एंड ब्रिक्स द लीडर आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू डिस्कस विदड्रॉल ऑफ अमेरिकन ट्रूप फ्रॉम अफगानिस्तान। कि ये 3 उस बात पे बात करेंगे कि कैसे वो अमेरिकन ट्रूप्स अफगानिस्तान से हटाएं। द मीटिंग ऑफ द RIC रशिया इंडिया एंड चाइना फॉरन मिनिस्टर विल ऑल्सो इंक्लूड डिस्कशन ऑफ द कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इन द 7,200 किलोमीटर लॉन्ग INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। कि जो 7,200 किलोमीटर लंबा INSTC बनना है, इंडियन इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, उस पर भी ये लोग बात कर सकते हैं। द INSTC लिंक्स अफगानिस्तान ईरान एंड सेंट्रल एशिया विथ यूरोप। ये क्या कहते हैं INSTC क्या कहते हैं ये प्रोजेक्ट आपको बताना है, ये कब स्टार्ट होगा, ऐसा क्या किसकी रिपोर्ट के बारे में, आप INSTC के बारे में थोड़ा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये क्या कहते हैं लिंक करेगा अफगानिस्तान ईरान और सेंट्रल एशिया को यूरोप की कंट्रियों के साथ, क्या कहते हैं ये लिंक करेगा। तो थैंक यू फॉर द टुडे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।